गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है भिंडी प्याज की। चूल्हा तैयार हो चुका है और हम शुरू करेंगे आज बनाना भिंडी प्याज। ये बारीक कटा हुआ गार्लिक है यानी लहसुन, और इसमें जिंजर है यानी अदरक, एक ग्रीन चिली है, ये अनियंस है यानी प्याज, यानी हमारी भाषा में कांदा। तो ये हमारा हॉक है, चाइनीज हॉक, और ये कटी हुई भिंडिया है। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं भिंडी और प्याज। चलो शुरू करते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लाते रहे आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो। ओके, चलिए शुरू करते हैं बनाना। अब इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक। इसको अच्छी तरह भून लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक। डालेंगे हम हरी मिर्च। ये सारे मसाले हैं, सीक्रेट मसाले जो सबके होते हैं वो हमारे भी हैं, कई सारे सीक्रेट मसाले। अब प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डालेंगे भिंडी। पकड़िए भाई साहब, तो भिंडी डालते हैं। देखिए भाई साहब, इसमें डाल रहे हैं भिंडी। आदमी ज़्यादा है इसलिए एक किलो भिंडी पूरी बनानी पड़ रही है। अब इसको धीरे धीरे ऐसे चला लेंगे
इसके ऊपर से थोड़ा सा छिड़केंगे नमक, ये है नमक, सी सॉल्ट इंग्लिश में, स्वाद अनुसार। भिंडी को हमेशा खोल कर ही पकाएं, जितना या तो कढ़ाई हो या तो बड़ा बर्तन हो उसी में पकाएं, क्योंकि अगर भिंडी को आप छोटे बर्तन में पकाओगे तो वो जो है कि एकदम मेल्ट होने के बाद में बेकार सा हो जाता है, फिर आपकी भिंडी अच्छी बनती नहीं है। भिंडी हमारी हो चुकी है एकदम कुरकुरी, भिंडी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, और थोड़ा धनिया पाउडर। इसमें हम मसाला नहीं डालते हैं। फ्रेंड्स, भिंडी हमारी बनकर तैयार है, अब इसके बाद बनेगी रोटियां। भिंडी बनने के बाद में अब हमारा बनने जा रहा है रोटी, भिंडी की सब्जी और गेहूं की रोटी। ये देखिए, बहुत बढ़िया कारीगर है हमारे मित्र जो रोटी बनाते हैं। ऐसी रोटियां शायद ही कोई औरतें बना पाएं जैसी रोटी हमारे मित्र बनाते हैं। हर तरफ से सेकते हैं उनसे। अगर आपको खाना ना भी बनाने आए तो अगर आप ट्रक लाइन में आ जाओगे तो फिर आपको खाना बनाना ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, मजबूरी है, बनाना पड़ता है। ये देखिए भाई साहब ने रोटियाँ कितनी बढ़िया फुलाई है, बहुत बढ़िया रोटियाँ बनी है। ठीक है, इतना हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम लाते रहें आपके लिए नए नए वीडियो और आपको जानकारी देते रहें कि भाई इंडियन ट्रक ड्राइवर कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।